हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से मुझे एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, जो कि था कि सर स्टडी हम जब भी करने बैठते हैं हम आधा घंटा तो बैठ पाते हैं, एक घंटा तो बैठ पाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें थकावट महसूस होती है, उसके बाद हमारा सर दुखने लगता है, उसके बाद मुझे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। तो अगर आपके अंदर भी ये सब सवाल चल रहे हैं ना, तो उन सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज का वीडियो का जो टाइटल है अगर आप देख रहे होगे, जो कि है कि हाउ टू स्टडी लॉन्गर। ठीक है, आपको अगर पढ़ना है लेकिन लंबे समय तक पढ़ना है कि आप एक नहीं बल्कि दो तीन घंटा लगातार बैठ के पढ़ सको, और ऐसा पढ़ सको कि आपके अंदर वो चीज घुसे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बुक लेके बैठ पा रहे हो और बैठ रहे हो तो चलो दो घंटा टाइम पास कर लिया और कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए आपके अंदर। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अब फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो नाउ स्टार्ट योर मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपेरेशन, आपको स्टडी स्टार्ट कर देना है। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, और हाल ही में मुझे जो बच्चे का मैसेज आता रहता है इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो तो फॉलो कर लेना, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो अपने सवालों से। तो जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी को मैंने जब फिल्टर किया तो उनमें से कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो ये टॉपिक को बनाने के लिए मुझे प्रेरित किए कि यार उनको मैं इस तरीके का टिप्स दूंगा कि आप लोग जरूर से लगातार बैठ के पढ़ सकोगे। अब ये क्या होने वाला है चीजें, इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले गणपति का फेस्टिवल चल रहा है, गणेश चतुर्थी चल रहा है, तो मेरी तरफ से सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया जरूर से कॉमेंट में बता देना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हमारा मेन मकसद क्या है, आपको इस तरीके से समझाना कि आप लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक कैसे अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहले आप नॉर्मल, अगर आप एक स्टूडेंट थे तो यूजुअली जब आप पहले पढ़ने बैठते थे तो एक घंटा पे बैठोगे, फिर थकान महसूस होगी, टायर्ड हो जाओगे, सर दुखेगा, जो भी होगा। लेकिन अब जो तकनीक बताने वाला हूं उसमें अगर आप तीन घंटा लगातार भी बैठते हो पढ़ने के लिए, तीन घंटे की बात हो रही है यहाँ पे, एक फ्लो में तीन घंटा लगातार पढ़ते हो, तो भी आप ज्यादा स्टडी कर पाओगे, और वो जो पढ़ा हुआ जो रहेगा, वो स्टडी किया हुआ जो रहेगा, वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। तो क्या है वो टिप्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है प्रॉपर स्लीप। अब ये बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं यूजुअली, मैंने अक्सर आज के जनरेशन को फॉलो किया है और उन बच्चों को हिसाब से समझा है, और जो हम अपने टाइम पे नहीं करते थे वो इस जनरेशन के बच्चे वो कर रहे हैं, और जो कि उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, जो कि है क्या, ओवर यूज ऑफ द मोबाइल फोन। अब ये स्लीप के टॉपिक में ही क्यों कवर कर रहा हूं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों से जब बात की तो मैंने देखा है कि बच्चे सोते हैं 12 बजे 1 बजे। तो अगर आप 12 बजे 1 बजे सो रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आपको अगर मिनिमम जो हमको सोना चाहिए 5 से 6 घंटा अगर आप यूजुअली सोते हो, तो भी आप 7 या 8 बजे के पहले नहीं उठ पाओगे। और 7 से 8 बजे अगर आप उठ रहे हो तो कहीं ना कहीं जो मॉर्निंग का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है स्टडी करने का, वो आप क्या कर रहे हो, अपने लाइफ से निकाल फेंक रहे हो। तो वो गलती बिल्कुल नहीं करना है। मैंने एक कहावत कही थी, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। जब आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होगी और आप उठ के पढ़ रहे होगे, तो आप लोग कहीं ना कहीं बाकी लोग से आगे निकल जाओगे। लेकिन उस चीज के लिए आपको प्रॉपर स्लीप होना जरूरी है। और कभी भी मान लो कि आप पूरे रात भर आप कुछ नहीं कर रहे हो, स्लीप नहीं कर रहे हो, और यूजुअल तौर पे मैंने 12 एक बजे का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आज के डेट में बच्चे का मोबाइल फोन का एडिक्शन है। उनको मोबाइल फोन पढ़ने के लिए मिल रहा है, यूट्यूब देखने के लिए मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको एडिक्शन इस चीज का हो गया कि वो रात रात भर गेम्स खेलते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा गेम्स का, लेकिन देर आर सो मेनी गेम्स जो कुछ ऑनलाइन ग्रुप में खेला जाता है, एंड मुझे भी आता है वो गेम, मैंने भी खेला है, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं मालूम उस गेम के बारे में। जो भी गेम आप कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि वो कौन से गेम की बात हो रही है। ग्रुप में खेल सकते हैं, ऑनलाइन खेल सकते हैं, 10 लोग के साथ मिलकर खेल सकते हैं, खटर 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 आवाज भी आता है उस गेम में। ठीक है, हेडफोन डाल दिया, कभी कभी तो बिना हेडफोन का खेलते हैं और मम्मी पापा बेडरूम से चिल्लाते हैं, क्या आवाज कर रहा है, तो क्या गोलियों की आवाज कर रहा है, आता है कि नहीं आवाज। तो वो बच्चों का जो एडिक्शन है बहुत भारी पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी नींद में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और नींद कॉम्प्रोमाइज हो तो आप फ्रेश नहीं महसूस करोगे, और दिन में कभी भी आप पढ़ने जब बैठोगे तो आपको अजीब फील होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आधा घंटा भी पढ़ लिया तो बहुत थकावट महसूस हो रही है। तो इसके लिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ईट द गुड फूड। अब बच्चे जंक बहुत खा रहे हैं आज के डेट में, तो यार आप जंक फूड खाओगे तो यही होगा कि आपके अंदर फैट ज्यादा डिकम्पोज होगा, और फैट ज्यादा डिकम्पोज होगा, गुड नहीं बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इन सभी पे आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, और ये आपकी जो बॉडी है उसको थकाता है, टायर्ड करता है।
आपके माइंड को कॉन्शियस नहीं रखता, आपके माइंड को थोड़ा इनएक्टिव रखता है। तो जब भी आप कोई कॉन्सेंट्रेशन वाला चीज पढ़ने बैठ रहे हो, याद करने बैठ रहे हो, वीडियो देखने बैठ रहे हो, तो आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। आप भले ही 2 घंटा बैठ रहे हो लेकिन आपका याद नहीं हो रहा है, वो चीजें को समझ नहीं पा रहे हो, तो ये गलती मत करना। इसके लिए प्रॉपर खाना खाना, बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट। जंक फूड खा सकते हो हफ्ते में एक बार, नो प्रॉब्लम। चीट डे सबका होता है, चीट डे कर लेना, एक दिन खा लेना जंक फूड, लेकिन 6 दिन तो एटलीस्ट डाइट फॉलो करो। तीसरा, एक्सरसाइज डेली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिम चले जाओ, बच्चा 1500-1600 साल की उम्र में, कोई दिक्कत की बात नहीं, जा सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो एटलीस्ट 30 मिनट्स बच्चा अपने दिन में से निकालो, 30 मिनट्स नॉर्मल एक्सरसाइज करो। जो हमको स्कूल में बचपन में सिखाया जाता था 1 2 3 4 वाला, वो भी करोगे ना अलग अलग मेथड्स के तो भी चलेगा बच्चा, लेकिन कुछ तो करो, थोड़ा वॉकिंग कर लो, रनिंग कर लो, लेकिन ये जरूर करना। तो अगर आप ये सभी चीज कर लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी भी इंप्रूव होगी और इससे आपका माइंड और आपकी बॉडी भी इंक्रीज होगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का जो लेवल, फिटनेस लेवल है वो काफी इंप्रूव होगा। तो ये तो बात हो गई हमारे बॉडी, माइंड, खाना पीना, ये सब चीज से रिलेटेड। लेकिन अब करना क्या है, तो जब भी कभी आप स्टडी करने बैठो तो इस चीज का भी ख्याल रखो कि आपका जो जगह होगा वो बहुत मायने रखेगा। कुछ जगह ऐसे होते हैं पढ़ने के लिए कि ऑटोमेटिकली वहां पे बैठोगे तो नींद आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो बेड होता है यानी बिस्तर जो होता है उस पर तो बैठ के नहीं करना। अब मान लो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में सिर्फ 1 room kitchen है या फिर 1 bedroom hall kitchen है, BHK होगा, तो उन केस में क्या करना है, आपके पास प्राइवेट आपका रूम नहीं है तो आपको बेड छोड़ देना है पहली बात। तो अब आप क्या कर सकते हो, किचन में जो जमीन होता है वहां पे जाके पढ़ सकते हो। मैं करता था, मेरे पास भी घर नहीं था ज्यादा, 1 RK में रहता था शुरुआत के दिनों में, जब मैं 10th standard में था। 1 room kitchen, एक रूम था एक किचन था, उसमें अपने गुजारा करता था, किचन में जाके पढ़ता था, ठीक है। तो अगर आपके पास भी वो चीज नहीं है तो आप जमीन का इस्तेमाल करो आपके घर में। सबसे बेस्ट तो मैं तो बोलूंगा कि स्टडी टेबल अगर आपके पास है तो एक कुर्सी, एक टेबल, रात को पढ़ रहे हो एक लैंप लगा लो, मस्त हो जाएगा एकदम। लेकिन अगर वो सब नहीं है तो आप जमीन पे भी बैठ के पढ़ो आसानी से, जिससे आपको ये होगा कि आपको बेड नहीं मिलेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है लोग सो जाते हैं बिस्तर पे, लेट जाते हैं सोफे पे, लेट जाते हैं और आराम से बुक लेके ऐसा पढ़ते पढ़ते नींद कब आ जाती है पता नहीं चलता। तो ये बहुत करना। और आपका मूड बहुत इंपॉर्टेंट है, मूड अच्छा रखा करो। मूड अच्छा मतलब क्या होता है, कुछ अच्छी पॉजिटिव बातों पे ध्यान दो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, अच्छी चीज़ें लाओ, हैबिट्स अच्छे लाओ, तो ऑटोमेटिकली मूड अच्छा रहेगा। अच्छा प्लेस पे स्टडी कर रहे हो, वाइब्स अच्छी आ रही है, तो ऑटोमेटिकली मूड अच्छा रहेगा और ऑटोमेटिकली पढ़ा हुआ चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहेगा। नेक्स्ट, डिसाइड वॉट टू स्टडी। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको पता नहीं है क्या स्टडी करना है। तो जब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है क्या पढ़ना है, तो मैं उसको पेज पलटूंगा 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 और आधा घंटा लग गया डिसाइड करने में कि अच्छा मुझे ये आज इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ने में बैठ रहा हूँ और क्योंकि आधा घंटा तो मुझे टॉपिक ढूंढने में गया तो ऑलरेडी थकान हो गई, और जब आधा घंटा और पढ़ लिया तो पूरी थकान हो गई। अब 1 घंटा हो गया, बस हो गया यार, आज 1 घंटा हो गया, बहुत पढ़ लिया, मम्मी आज देखो मैं 1 घंटा पढ़ाई किया। लेकिन 1 घंटे में आपने पढ़ा क्या, आपने तो आधा घंटा टाइम वेस्ट किया सिलेबस को पकड़ने में या फिर ढूंढने में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और आधा घंटा आप खाली पढ़ रहे हो और उसमें भी आपने कुछ लर्न नहीं किया। तो ये गलती मत करना। आपको कभी भी स्टडी करने बैठना है तो उसके पहले वाले दिन ही आपका दिनचर्या रेडी होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट डे एंड द टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट डे आपको बनाना पड़ेगा कि कल मुझे क्या करना है, कौन सा टॉपिक कल करना है, और नहीं है तो एटलीस्ट मॉर्निंग में सुबह उठ के तैयार कर लो कि पूरे दिन में मुझे क्या करना है। मैंने आपको बताया था छोटे छोटे गोल्स लिखो, डेली गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो भी प्रायर में रहेगा यानी सबसे पहले जो काम करना है उसको आप करोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको जब लंबे समय तक बैठना है, मान लो कि आपने 1 घंटे में कुछ नहीं होगा पढ़ के, तो आपको एटलीस्ट 3 घंटा पढ़ना है, तो ये जो मेरा टेक्निक है आप फॉलो कर सकते हो। इसको मैंने कई साल पहले भी बच्चों को बता रखा है, जो कि ये 45 और 15 रूल। आप सभी जो लोग जानते होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो आप 45 मिनट सबसे पहले आप क्या करो, हार्डकोर स्टडी कर लो। 45 मिनट आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उस 45 मिनट जैसे ही बजेगा, आप अलार्म लगा लो या फिर आपके घड़ी में देखो, 45 मिनट जैसे ही आपने पढ़ लिया, अगला जो 1 घंटे के अंदर जो बचा है 15 मिनट, क्योंकि 60 मिनट्स का होता है 1 घंटा, तो 1 घंटे का जो फर्स्ट 45 मिनट्स है उसमें आप स्टडी करोगे, और अगले 15 मिनट में सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, रेस्ट करोगे, जिसमें आप कुछ भी काम कर सकते हो, चाहे मोबाइल चलाना है, चाहे जो काम करना है कर सकते हो। लेकिन कोशिश ये करना कि अगर मोबाइल चला रहे हो टाइम पास करने के लिए कि चलो 15 मिनट थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, तो ये नहीं कि भाई अब 15 मिनट हो गया, नहीं यार चलो आप कंटा ला रहे हो, अब नहीं पढ़ूंगा। आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए भाई, अगर आप ये चीज़ कर लोगे ना लाइफ जीत लोगे। इच्छा शक्ति, दैट इज द विल पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इफ यू हैव द मोर विल पावर कि मुझे करना और मैं करके ही रहूंगा, तो आप किसी चीज को भी हरा सकते हो। तो ये 45 मिनट स्टडी, 15 मिनट ब्रेक, फिर वापस से 15 मिनट ब्रेक खत्म होगा तो फिर 45 मिनट स्टडी करना है, फिर 15 मिनट ब्रेक, फिर 45 मिनट स्टडी करना है, फिर 15 मिनट ब्रेक, और ऐसा कितने करोगे, 3 घंटा लगातार करोगे, जिससे आप अगर आप काउंट करो तो आपने 45 45 45 लगभग कितना होता है 5 4 4 8 12 13 135 मिनट्स, लगभग आप बोल सकते हो 2.5 घंटा
लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे के आसपास आपने स्टडी किया और बीच बीच में आपने 10 से 15 मिनट ब्रेक भी लिया, तो जिससे आप लगातार जो थकने का चांसेस था वो थकने का चांस भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ब्रेक्स लिया हुआ है, माइंड को फ्रेश किया हुआ है और लगातार आपने पढ़ भी लिया लगभग 135 मिनट्स। और ये 135 मिनट्स अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्टडी किया होगा तो डेफिनेटली 135 मिनट्स में आप पूरा का पूरा एक चैप्टर भी याद कर सकते हो, इतना कैपेबिलिटी होता है। कोई छोटा चैप्टर है तो आप लर्न कर सकते हो। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, मैं ज्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो इन टॉपिक्स के ऊपर कि आपको फोकस कैसे बढ़ाना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाना चाहिए, एडिक्शन कैसे कम करना, ये सभी के ऊपर दोस्तों अगर आपको वीडियोस देखना है तो ऑलरेडी हमारा एक चैनल है जिसका नाम है दोस्तों JR Talks। इस चैनल पे चले जाना अगर आप नहीं गए हो। ये हमारा चैनल है, मेरा चैनल है, इस पे मैं पर्सनली वीडियो बनाता हूं बच्चों को मोटिवेट, इंस्पायर और करियर गाइडेंस के। इस पे और भी कई सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं, एक सरप्राइज है आपके लिए मेरे बर्थडे के दिन जो कि यहाँ पे आएगा, तो वो भी आप मिस मत करना। लेकिन अभी से अगर आपने चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसमें जाओ, ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं आपके सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चले जाना, मेरी तरफ से बच्चा ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। लेकिन मेरा जो आप लोग के कमेंट्स जब आते हैं मुझे, तो मुझे वो तकलीफ होती है कि ये चीज़ आपको भली भांति आती है, मैंने कितनी दफ़ा बता रखा है लेकिन फिर भी बच्चे जो है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसको जरूर से अपने माइंड में डालो कि आपको क्या गलती नहीं करनी है और क्या चीज़ करनी है ताकि आप अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सको, अपने स्टडी टाइम को बढ़ा सको और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने स्टडी की जो विल पावर है उसको बढ़ा सको और अच्छे से अच्छा कंसेप्ट क्लियर करके अच्छे से अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सको आपके एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बच्चा, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।